आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे, अपना प्रदेश अपना चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंचकुला से, जहां मौसम विभाग की तेज तूफान और बरसात की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 7 और 8 मई के अवकाश की घोषणा की गई है। इस बारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त पंचकुला से फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता सुमित। सुमित, आप बताएं कि सरकार द्वारा जो अवकाश के आदेश दिए हैं, क्या है पूरा मामला? संगीता, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से तेज तूफान और मौसम विभाग द्वारा जो एक एडवाइजरी जारी की गई है, उसको मद्देनजर सरकारी और निजी स्कूलों में 7 और 8 मई को अवकाश की घोषणा की गई है। साथ ही साथ इस एडवाइजरी में ये भी बताया गया कि किस तरीके से अलर्ट रहे जो नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक वो अलर्ट रहे, और साथ ही अपील की गई है कि इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, एक पूर्वानुमान है, बल्कि विभाग द्वारा कुछ सावधानियां बरतने के लिए यहाँ पर जरूर कहा गया है कि इस दौरान बच्चे, औरतें, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए और सभी संबंधित विभागों के यहाँ पर सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही ये भी बताया कि पेड़ों से दूरी बनाए रखें और पेड़ों के नीचे ना सोएं और पालतू पशुओं को पेड़ों के आसपास ना छोड़ें और रात को अपने चूल्हा भट्टी को बंद करके सोएं, उस लगती आग को बुझा कर सोएं और जल्द से जल्द घरों को, अगर जो सफ़र के लिए निकले हैं तो वो जल्द से जल्द लौटाएं और अगर ज़रूरत हो तो तभी सफ़र करें और रात को सोते समय अपने पास टॉर्च या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जरूर रखें और प्लग को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्लगों को निकाल कर सोएं। और साथ ही ये भी अपील की गई है कि नुकसान जो, अगर ये जो मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक पूर्वानुमान है और सतर्क रहने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि तूफान के दृष्टिकोण, सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, व्यर्थ की अफवाहें हैं, जो उन पर ध्यान ना दें और जिस तरीके से जो सक्षम लोग हैं जो मोबाइल या इस चीज़ों को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो वो विभाग की मौसम विभाग की वेबसाइट पर भी सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे हमारे संवाददाता सुमित, जो बता रहे थे कि हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सार्वजनिक हित में ये एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने ये आदेश जारी किए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की हर खबर का अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हरियाणा टुडे के साथ। एमआर का टीका, स्वस्थ जीवन का तरीका।